शिवरात्रि पर वैसे तो हर क्षण हर समय पूजा करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शिवरात्रि पर रात की जो पूजा है, रात को जागरण करके, रात को जग करके भगवान शिव की जो पूजा की जाती है, उनकी साधना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है, इसके परिणाम और प्रभाव सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि का पूजा विधान क्या है, लेकिन हमने आपको शुरुआत में कहा कि इस बार महाशिवरात्रि पर धन की वर्षा होगी, धन की प्राप्ति होगी। तो अब ये जान लेते हैं कि इस बार की शिवरात्रि अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, वैसे तो महाशिवरात्रि पर या शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। भावी में टी सके उत्रिपुरारी, भगवान शिव भवितव्यता के विधान को बदल सकते हैं। भाग्य को बदलने की, चूर्ण विचूर्ण करने की क्षमता भगवान शिव के अंदर पाई जाती है। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर जो संयोग बन रहा है वो बड़ा अनूठा है। जितने भी ग्रह हैं वो कुल मिलाकर 5 राशियों में बैठे होंगे। 12 राशियों में से कुल मिलाकर 5 राशियों में ग्रह रहेंगे। चंद्रमा और मंगल एक साथ मकर राशि में होंगे। एक तो मकर राशि वैसे भी धन की और करियर की सबसे बड़ी राशि है, दूसरा चंद्रमा और मंगल मिलकर के लक्ष्मी योग बनाएंगे मकर राशि में बैठ करके। ये संयोग मकर राशि में लक्ष्मी योग बना रहा है या बनाएगा। अब शिवरात्रि के अवसर पर चूंकि लक्ष्मी योग बनेगा, इसीलिए इस बार शिवरात्रि पर धन संबंधी हर तरह की बाधा दूर की जा सकती है। एक तो चंद्रमा मंगल का संबंध और चंद्र मंगल का संबंध इस बार शिवरात्रि पर प्रार्थना करने से आपको धन देगा। साथ ही साथ चंद्रमा और गुरु का प्रबल होना भी शुभ स्थितियां बना रहा है। चंद्रमा और गुरु परस्पर गजकेसरी योग इस शिवरात्रि पर बनाएंगे। तो एक तरफ लक्ष्मी योग, दूसरी तरफ गजकेसरी योग और तीसरी तरफ इस बार की शिवरात्रि पर शिव योग भी है। इसीलिए इस बार की शिवरात्रि पर रोजगार की तमाम मुश्किलें दूर की जा सकती हैं और धन तथा विवाह संबंधी तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो भगवान शिव स्वयं श्मशान में रहते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को अपूर्व संपन्नता का वरदान देते हैं। धन, संपत्ति, संपन्नता, विवाह, लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य, ये सब भगवान शिव अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं अगर कोई भक्त उनसे याचना करता है, अगर कोई भक्त उनसे प्रार्थना करता है। तो एक तो महाशिवरात्रि का महान मौका अपने आप में ही बड़ा पवित्र है, बड़ा कीमती है, और उसके साथ साथ जो लक्ष्मी योग बन गया, गजकेसरी योग बन गया, शिव योग बन गया, उसकी वजह से इस बार की महाशिवरात्रि ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।